कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के लोगों को कितनी उनकी आबादी और कितना सम्मान उनको मिल रहा है, कितनी हिस्सेदारी उनको मिल रही है, तो केंद्र सरकार जल्द से जल्द जातिगत जनगणना कराए। जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक सबसे पहले स्पष्ट ही नहीं होगा जो आज षड्यंत्र किया गया है और कुछ लोगों को जानबूझ के उनके मुंह से कहलवाया जा रहा है कि इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इस जाति का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद आपको वचन देके कहता हूं, अपने बहुजन समाज के सामने जातिवार जनगणना कराइए, उसके आंकड़े सार्वजनिक कराइए। अगर अंतिम पायदान पर रहने वाले जिनको डीएससी के भाई कहा गया है, जो हमारा परिवार है, अगर उनका 1% आरक्षण भी प्वाइंट के बराबर भी कमजोर पड़ रहा होगा तो मैं वचन देता हूं कि इससे बड़ी रैली उनके समर्थन में हम लोग करेंगे। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, अगर आप झाड़ू की सिक्कों को इकट्ठा कर दोगे, वो सिक्के जो हैं एकजुट हो जाएंगे, उनको बांध दिया जाएगा तो वो सारा कचरा साफ कर देंगे। लेकिन अगर उन वो जो सिक्के होते हैं अगर आपने उनको अलग अलग कर दिया तो वो कचरा साफ नहीं कर पाएंगे, वो खुद कचरा बन जाएंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं बनेगी। इसलिए हमारे महापुरुषों ने बहुजन समाज में भाईचारे की बात की। और आप महसूस करो, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमें शिक्षित भी बनना है, संगठित भी होना है और अपने विरोधियों बैरियों के खिलाफ संघर्ष भी करना है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी करना है। या मनुवादी दल हो, सब लोगों ने आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए। और इसका सबसे बड़ा हमला इस पे कब हुआ, जब 10% ईडब्ल्यूएस लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के जो हमारे पूर्व के दल थे उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पर निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। कि जो जिंदगी हमारे लोग ऑस्ट्रेलिया में जी रहे हैं, ऑस्ट्रिया में जी रहे हैं, इटली में जी रहे हैं, यूरोप में जी रहे हैं, पूरे अमेरिका में जी रहे हैं, कनाडा में जी रहे हैं, हॉलैंड में जी रहे हैं, नीदरलैंड में जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी की व्यवस्था भारत में भी हो। लेकिन ये तभी संभव है जब राजनीतिक शक्ति हमारे पास हो। अगर राजनीतिक शक्ति भाजपा और कांग्रेस के पास रहेगी तो हम लोग इज्जत की जिंदगी देश में नहीं जी सकते, इस बात को आप लोग मेरी ध्यान रखना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। और राजनीतिक सत्ता जिनके पास है उनके लोग हजारों हजारों करोड़ रुपए लेके भाग जाते, उनके लोग उनके पूंजीपतियों के लाखों लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए जाते। लेकिन अगर आपका 10,000 रुपए का बिल भी बाकी हो तो 10,000 रुपए का बिल भी अगर आप नहीं दोगे तो मुकदमा लिख के आपको जेल भेजने का काम सरकार कर देगी और आपके घर की कुड़की भी करा देगी। आप किसानों का, मजदूरों का हाल देख लो, आप नौजवानों का हाल देख लो, इस देश में क्या है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, आप समर्थन करके बताना कि आप इस पे सहमत हो या नहीं हो। बताओ, जातिवार जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? एक सुर में बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? साथ साथ इस देश में जातिवार जनगणना के साथ साथ जितने भी सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो जुडिशरी हो जहां से हमारे खिलाफ लगातार फैसले आते हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो और कोई सरकारी संस्था हो, सब लोग सब जगह पर आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बहुत अच्छी बात। साथ साथ हमारी ये भी मांग है जो मैंने पार्लियामेंट में भी उठाई कि निजी क्षेत्रों में आप इस बात को समझो गौर करके,
इस देश में 2% सरकारी नौकरियां, कितने परसेंट जोर से बताओ? 98% प्राइवेट सेक्टर है, कुछ ऑर्गेनाइज है कुछ अनऑर्गेनाइज है। आप ये देखो 2% में तो बंटवारा है, लेकिन 98% पे पुरानी सत्ता वाले लोग और आज की सत्ता वाले लोग सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हैं। ना वहां एससी एसटी के लोगों का कोई प्रतिनिधित्व है, ना ओबीसी के लोगों का है, ना ही मुस्लिम लोगों का है। तो हमारी मांग ये भी है कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। फिर कह रहा हूं जातिगत जनगणना कराओ और 100% आरक्षण करो। मैं तो स्वर्ण जातियों का सबसे बड़ा हितैषी हूं, उनको 10% आरक्षण क्यों दे रहे हो? मेरी ये मांग है, मैं तो अपने लोगों के आरक्षण में भी उनके लिए मांग करता हूं। उनकी आबादी तो 15% भी नहीं है, मैं ये कहता हूं कि उनका अलग से ब्लॉक बना के उनको 20% आरक्षण सरकार को देना चाहिए और 80% आरक्षण को एससी एसटी ओबीसी के लिए फ्री कर देना चाहिए।